देश दुनिया राजनीति से जुड़ी हुई खबरों पर डालते हैं नजर, क्योंकि समय हो गया है बड़ी खबर का। बुलंदशहर नागरिक एकता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नौजवान होनहार निडर रईस कुरैशी ने मीडिया को बताया कि बुलंदशहर उप विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी अपना उम्मीदवार उतारेगी और अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हाथरस कांड ने पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया है। योगी सरकार पूरी तरह से नाकाम और फेल है। जनता में त्राही त्राही मची हुई है। नाम रईस कुरैशी है सर। कौन सी पार्टी से आप? ये हमारी नागरिक एकता पार्टी है, मैं इसका राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, क्या उद्देश्य? क्या इसका उद्देश्य? यही है कि जो उपचुनाव चल रहा है और जो पार्टी हम लोग चला रहे हैं, पार्टी चाहती है कि उपचुनाव में सदर सीट बुलंदशहर में भी हमारे लोग पार्टी अपना प्रदर्शन करें, ताकि हम लोग भी अपनी पार्टी का यहाँ पर उद्घाटन कर सकें, पार्टी को आगे बढ़ा सकें। तो आपके पार्टी का कोई कैंडिडेट या कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा? प्रत्याशी चुनाव लड़ सकता है, इसकी घोषणा हम दो तीन दिन में जल्दी से जल्दी करेंगे और प्रत्याशी लड़ाने की पूरी कोशिश है, प्रत्याशी लड़ाया जाए। क्या उद्देश्य होगा आपकी पार्टी की? जो इतनी बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं उसके सामने आपकी एक छोटी सी पार्टी स्टार्टिंग हो रही है, तो किस तरह से आप लोग जो है उनका सामना कर पाओगे? बिल्कुल सही है। देखिए, जब भी कोई पार्टी बनती है तो पार्टी छोटी होती है और छोटी पार्टियां वोट लेकर ही बड़ी बनती हैं। हमारे सामने बहुजन समाज पार्टी पैदा हुई, 84 में बनी थी। उस समाज को, उस पार्टी को सभी समाजों ने वोट दिया और वो पार्टी आज इतनी बड़ी हो गई कि वो पार्टी 10-10 करोड़ का, 25-25 करोड़ का टिकट बेचती है। आज उसका वोटर भी कहीं ना कहीं छलावा महसूस कर रहा है। तो अगर आपकी पार्टी बड़ी हो जाए, कि आपकी पार्टी भी ऐसे करेगी 10-10 करोड़ का? मकसद नहीं हमारा और ना ही ऐसा करेंगे, क्योंकि ऐसा करना होता तो उन पार्टियों के पास जिनके पास टिकट है, जिनके पास वोट समझती है अपना, वो लोग बेच रहे हैं, तो नई पार्टी बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये पार्टी बनाई इसलिए गई है, इस पार्टी के जो राष्ट्रीय संरक्षक हैं वो IAS अधिकारी हैं, श्री राम बहादुर रावत जी, जो इस हमारे ज़िले में भी सिकंदराबाद और खुर्जा में SDM भी रहे हैं, और पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मोहम्मद शमीम साहब, वो उन्नाव जिले के रहने वाले हैं। अच्छे लोग हैं, सभी का साथ लेकर चल रहे हैं। इस वजह से कि जो समाज छला गया है, जो समाज को धोखा मिला है, समाज ने जो वोट दिया था वो इसलिए दिया था समाज के अंदर समरसता पैदा होगी, भेदभाव खत्म होगा, आपस में प्यार रहेगा। आज किसी पार्टी के अंदर भी ये चीज़ नहीं मिल रही है। इससे पूर्व में आपकी पार्टी ने कोई चुनाव लड़े छोटे मोटे? हम लोग जिला पंचायत के उन्नाव चुनाव लड़ी थी पार्टी साक्षी महाराज के सामने, हमारे प्रत्याशियों को 11,000 वोट मिला था 2019 के लोकसभा चुनाव। अब आगे का जो है आपका रणनीति, आगे की रणनीति क्या है? रणनीति हमारी है कि उत्तर प्रदेश की 7 सीटों पर चुनाव हो रहा है विधानसभा की, और नागरिक एकता पार्टी 2 सीटों पर प्रत्याशी लड़ाएगी। एक उन्नाव जिले की सीट है जो कुलदीप सेंगर के जेल जाने से खाली हुई है, बांगरमऊ विधानसभा, और एक बुलंदशहर सदर। हम कोशिश करके दोनों सीटों पर प्रत्याशी लड़ाएंगे। हाँ, जैसे कि इस वक्त एक हाथरस कांड और बल्लन मुर्म जो है इस तरह गैंगरेप का मामला प्रकाश में आ रहा है और हर तरफ सभी राजनीतिक पार्टी जो है सरकार को घेरे हुए हैं, इस मामले में आपकी क्या राय है, क्या आपका क्या कहना है इस तरह की जो घटना हुई है? देखिए, घटनाएं तो ये बलात्कार की जो होती है, जाहिर सी बात है किसी की बहन किसी की बेटी के साथ बुरा होता है, लेकिन जब सत्ता ही हम लोगों ने ऐसे लोगों के हाथ में सौंप दी है कि जो लोग बेऔलाद हैं उनसे उम्मीद क्या की जा सकती है? जिन लोगों के पास औलाद होती है उनको औलाद का दर्द महसूस होता है। बेटी बहन किसी की हो, महिलाओं का सम्मान तो सुरक्षित है ही नहीं किसी की सरकार में, चाहे UP सरकार हो चाहे दिल्ली सरकार हो, लेकिन इन लोगों से निपटने के लिए इस सरकार को हटाना पड़ेगा और इसके लिए सबको कोशिश करनी पड़ेगी, चाहे पिछड़ा हो चाहे दलित हो चाहे मुस्लिम हो चाहे वंचित समाज, जो लोग हैं सबको एक साथ मिलकर आना पड़ेगा और एक नया विकल्प देना पड़ेगा उत्तर प्रदेश को, भारत देश को एक नया विकल्प देना पड़ेगा। उसमें सबके समाजों की भागीदारी होनी चाहिए ताकि सभी समाजों को सुरक्षा दी जा सके, उनको सम्मान दिया जा सके और महिलाओं की भी हिफाजत हो सके। सरकार ने आने से पहले बड़े बड़े वादे किए थे, हम लोग महिला सम्मान के लिए लड़ेंगे, हम लोग विकास की गंगा बहाएंगे। आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है, ये कानून व्यवस्था के बारे में क्या रहा है? अभी पत्रकार हो जाते कौन जानता है, आप लोग सब जानते हो आज उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है कि उत्तर प्रदेश का विनाश हो रहा है। चारों तरफ आप देख सकते हो, न महिलाएं सुरक्षित हैं, न बच्चे सुरक्षित हैं, आए दिन किडनैपिंग हो रही है, आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, आए दिन दंगे हो रहे हैं, कहीं ना कहीं कहीं मारकाट हो जा रही है। बल्कि गंगा विकास की बहनी चाहिए थी, लग रहा है कि खून की गंगा बह रही है। इसलिए ज़रूरी हो गया है कि इन लोगों को, ऐसे लोगों को जो मठाधीश और नमठ में बैठना चाहिए, जिसके बस की सरकार चलाना नहीं है, उनको तो खुद इस्तीफा देकर निकल जाना चाहिए, अपना मठ चलाएं। उनके बस की देश चलाना, सरकार चलाना नहीं है, ये तो वही लोग चला सकते हैं जिनके खून में होगा।
जो लोग जानते हैं सरकार कैसे चलाई जाती है, किस तरह से हुकूमत की जाती है, किस तरह का हमें हिसाब दिया जाता है। सरकार ने एक कानून को और इशारा दिया था कि जिसके दो बच्चे होंगे सिर्फ आगे चुनाव में वो लड़ सकता है, इसमें आप कितना सहमत है? इसमें भी कांग्रेस की बहुत बड़ी गलती रही है। कांग्रेस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को देश की आजादी के बाद में ये कानून बना देना चाहिए था कि दो बच्चे वाला ही लोकसभा विधानसभा जिला पंचायत लड़ेगा तो कम से कम आज भारत देश को न योगी मिलता न मोदी मिलता, बच जाते हम लोग, वो आठवीं औलाद है, वो छठी सातवीं औलाद है। तो दो बच्चों का कानून तो कांग्रेस को बहुत पहले बनाना चाहिए था। कुछ समाजी संस्थाएं आवाज और उठा रही है कि जो हिंदुस्तान का जो यहाँ का सारे जितने भी मैं यहाँ के जो है मैनुफैक्चरिंग जितने भी यहाँ के मुद्दे हैं उन सारे मुद्दों को देखते हुए एक मुद्दा, जैसे सरकार राज्यों का नाम बदल रही है, अब सरकार चुनाव के लिए दो बच्चे होने के लिए, इसी तरह से एक लोग जन सामाजिक लोगों का कहना है कि इस तरह से बदलाव राजनीति में होना चाहिए कि एजुकेशन एजुकेटेड लोग ही सिर्फ चुनाव लड़ें। इस मामले में आपका क्या कहना है? नहीं, बदलाव होना चाहिए। देखिए, मानसिकता से असर पड़ता है। एजुकेटेड लोग हैं जो इज्जत लूट रहे हैं लोगों की, वो सब लोग पढ़े लिखे हैं जो आज बलात्कार कर रहे हैं। एजुकेशन होना अलग चीज़ है। हमारे यहाँ कहा जाता है तालीम और तरबियत, दोनों चीज़ अलग अलग होती है। तालीम मिलना अलग चीज़ है, स्कूल चले जाइए तालीम मिल जाएगी, आपको शिक्षा मिल जाएगी, एजुकेशन मिल जाएगी, लेकिन आपके बच्चों को संस्कार और तरबियत जो मिलेगी वो आपसे मिलेगी। इसलिए ये मेरा मानना है कि अगर हम संस्कार ही अपने बच्चों को अच्छे नहीं दे पाएंगे तो शिक्षित होने से कोई फायदा नहीं होगा। शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार भी देने चाहिए। चलिए, मेरा आखिरी सवाल है कि आपकी पार्टी जो अपने दम पर चुनाव लड़ेगी उप विधानसभा या किसी के साथ कनेक्टिंग करके लड़ेगी? देखिए, फिलहाल हमारा इरादा अपने दम पर उतरने पर है कि हम लोग अपने बल पर विधानसभा सदर पूरे शहर पे अपना प्रत्याशी लड़ाएंगे और आगे क्या होगा इसके लिए दो तीन दिन के अंदर हम आगे रणनीति का खुलासा करेंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं दिलशाद अहमद, जो कि 65 बुलंदशहर विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशी हैं। पतंग के सामने वाला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए निवेदक MIM पार्टी बुलंदशहर।